उद्विकास का तात्पर्य यह है कि यह लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू डेवलप यानी विकसित होना। और विकसित कैसे होना, विकसित होने का मतलब है अपने अतीत के साथ जुड़कर विकसित होना, यानी कोई ऐसी संरचना जो अपने अतीत के अस्तित्व को बनाए रहे और उसी अतीत के अस्तित्व के साथ जुड़ जुड़कर धीरे 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 उसी में थोड़ा थोड़ा विकसित होती हुई चली जाए। अब वह विकसित कैसे होती है, इसका कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि अगर सबसे पहले प्राणियों के उद्विकास की बात करी जाए, यानी प्राणियों का उद्विकास प्रारंभिक काल से लेकर आज तक कैसे हुआ होगा, तो उसमें हम पाते हैं कि सबसे पहले यदि जन्म लेने वाला कोई जीव रहा होगा तो वह पानी में यानी समुद्र में रहने वाला एक कोशिकीय जीव रहा होगा, जिसमें उसकी संरचना में केवल एक कोशिका मात्र थी, लेकिन वह धीरे धीरे विकसित हुआ और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बना। अब बहुकोशिकीय जीव बनने के बाद अब उसमें धीरे धीरे आवरण का भी विकास हुआ, यानी इसे खोल कहते हैं, खोल के अंदर वह जीव रहने लगा। अब जब खोल के अंदर धीरे धीरे वह जीव रह रहा था तो धीरे धीरे और बड़े जीवों में उसका विकास हुआ और इसी क्रम में फिर वह उभयचर जीव, जिसमें जो है कछुआ हो गया, मेढक हो गए, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, उसके पहले रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हुआ था, यानी केवल रेंगने वाले जीव थे, जैसे केचुला हो गया, सांप हो गया। अब रेंगने वाले जीवों में जब रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ तो और बड़े जानवर बन करके सामने आए और फिर वह क्रम मैमथ हाथी से लेकर के आज मनुष्य के रूप में हम लोग वह उद्विकास का क्रम देखते हैं। और यह उद्विकास केवल प्राणियों में ही नहीं हुआ, भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन परंपरा की बात करें तो जो भारत के प्रमुख 10 अवतार ईश्वर के माने गए हैं उनमें पहला अवतार जो मत्स्य अवतार था, जो कि सबसे सरल था क्योंकि सबसे पहले जीव का भी विकास पानी और जलीय जीव के रूप में हुआ, तो भगवान ने भी जो पहला अवतार लिया वो मत्स्य अवतार के रूप में लिया। अब जब धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तो उसमें सेल वाले जीव बनने हुए, तो फिर अगला अवतार कूर्म अवतार के रूप में यानी कछुआ भगवान बने। और जैसे कि धीरे धीरे सेल वाले जीवों का जब विकास हुआ तो आप जानते हैं कछुओं में एक बाह्य आवरण पाया जाता है और कूर्म अवतार ने जब समुद्र मंथन हुआ तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला अवतार बारह अवतार, यानी अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है और बारह अवतार का मतलब यह है कि पृथ्वी के भी नीचे जाकर के पाताल लोक में जाकर के पृथ्वी को हिंडास से बाहर भगवान लेकर के आए थे। फिर नरसिंह अवतार के रूप में देखते हैं कि नरसिंह अवतार का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे अब जीव का विकास हो रहा है, आधा शरीर जो है मनुष्य का था और आधा पशु का जीव था और वो नरसिंह अवतार के रूप में देखे गए। फिर मानव में जब जीवन आया, जैसे आप देख रहे हैं पहले मानव इस प्रकार से था, तो ईश्वर ने भी पहले वामन अवतार का हुआ और वो पूरी तरह से बड़े नहीं थे, एक छोटे कद के रूप में उनका अवतार आता है। उसके बाद फिर परशुराम अवतार और राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार के रूप में देखने को मिलते हैं। राम अवतार में उतनी सारी कलाएं नहीं थी लेकिन कृष्ण अवतार में पूरी कलाओं के साथ भगवान का अवतार होता है। तो यानी जिस प्रकार से जीवों का उद्विकास हुआ उसी प्रकार से भगवान का भी जो जन्म लेने का क्रम है वह भी एक उद्विकास के क्रम में देखा जा सकता है। और इसकी पूरी बात करें जो उद्विकास होता है तो यह परिवर्तन की धीमी और एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसमें सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने कहा सरल जीवन से एक जटिल जीवन की ओर बढ़ रहा है, समुद्री जीव बिल्कुल सरल थे और आज का मानव इतनी सारी जटिलताओं को लिए हुए व्याप्त है। साथ में अनिश्चित से निश्चित की ओर